एहसास में है डर और दिल में है डांस की धक धक। तो हेलो गाइस, देख के तो पता चल चुका है इंडिया बेस्ट सीजन 3 का ऑडिशन है आज। तो मैं अभी हूँ दिल्ली जा रहा हूँ उबेर से। अभी लोकेशन पे लोकेशन है सेंट्रल एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल। तो पहली बार लाइफ में जाने वाला हूँ, इसके लिए बहुत वेट कर रहा था। तो फाइनली मैं इस बार ऑडिशन देने जा रहा हूँ, मगर दिल्ली में आकर इतना गर्मी 40 सेल्सियस, क्या ही बताओ आप लोग को। तो उबेर वाला भैया के लोकेशन पर मैं चेक करो तो सामने है नज़दीक। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ, ये देख सकते हो सेंट्रल एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली द्वारका पे हुआ था ऑडिशन। तो अभी चलो उतर के दिखाते हैं कहाँ पर ऑडिशन होगा या नहीं होगा, सब बताते हैं, लेट्स गो। आ तो गया, अभी देखते कहाँ है। बोल रहा था मैं स्कूल के सामने तो आ गया, इधर पीछे से जाना पड़ेगा, पीछे ही है और इधर होगा लगता है, जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी। फाइनली एंट्री हो रहा है, इधर दे दिया आधार कार्ड और टोकन नंबर, कितना देख सकते हो 1568। और अभी मैं जा रहा हूँ उधर, जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये फील सबसे अच्छा फील हो रहा है त्रिपुरा से दिल्ली आके ऑडिशन। तो देखते हैं क्या होता है या क्या ना होता है। अभी से धक धक होने लगा है, बहुत सारे डांसर को ऐसे रील्स वगैरह में देखो तो इधर भी दिख रहा है मुझे। चलते आधार कार्ड जेरोस और एक कॉपी फ़ोटो लाना है, ये चाहिए होगा आप लोग को। फॉर्म फिलअप करना है, आप लोग कर भी सकते हो, ठीक है। मैंने तो कर लिया मेरा, और ये सब पढ़ना अच्छा से मैं पढ़ा नहीं क्योंकि टाइम नहीं है मुझे पढ़ने का अभी। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, इसके बाद इसको लेके हम लोग जाएंगे सामने तक। तो चलो। तो ब्लॉक करा था ये लोग, हाई कर रहे थे, ये लोग का फुटेज ले चुका था, इसका हमें इधर लाना था। तो मैं सिग्नेचर नहीं किया, सिग्नेचर करने के बाद मुझे मेरा नंबर मिल रहा है 1568 था मेरा नंबर, तो लग चुका है चेस्ट पे। तो अभी जाएंगे डांस के लिए, मगर फॉर्म तो लेना पड़ेगा। तो भैया चेक करके मुझे फॉर्म दे दिया, थैंक यू। अरे भाई नंबर लग चुका है, इसी डांस करने बताओ कि मैं ड्रेस लेके नहीं आया था। फिलहाल हम लोग अभी इधर बैठे हैं, देख सकते हो हम लोग इतना मतलब लेट नहीं है, इतने सारे आदमी लोग उधर बैठे हैं भाई। ये पूरा लाइन जाएगा इसके बाद हमारा होगा, पता नहीं ऐसे ऐसे होता है ना, या शेड्यूल का होता है। हमारा नंबर तो उधर है, सील नंबर के अकॉर्डिंग। अच्छा सील नंबर है मेरा, देख रहे हो कितना है, 15 कुछ समथिंग है। तो अभी फैन के नीचे बैठा हूँ आराम से, क्या सीन पता नहीं क्या होने वाला है, कितने बजे घर जाने वाला वो भी पता नहीं, देखते क्या होता है। तो इधर से अंकल बुला रहा है नंबर काउंट करके, तो हम लोग को काउंट कर रहा था। तो ऐसे बंदे लोग जाते हैं तो 9-10 का बैच होता है, तो सबको बुलाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा भी हो गया था। अभी हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, भैया लेके जा रहे हैं पता नहीं किधर, क्या लेके जा रहा है भैया। तो अभी पढ़ने वाली है हमारा 1568, जब बोला मैं तो अरे मैं ही हूँ। तो चलते आप लोग को दिखाते कैसा होता है, मेरा भी पहली बार है। तो मेरे पीछे जिन लोग वो मेरा बेस का था, तो हम लोग जाके ऊपर जाके बोला था फ़ोन नहीं निकलने के लिए, वीडियो निकलने के लिए, मगर मैं थोड़ा कर दिया था। ये लोग के साथ मेरा ऑडिशन था, तो ऑडिशन करके तो पूरा मज़ा आ गया था, बहुत ही पहली बार एक्सपीरियंस, क्योंकि इतना प्रैक्टिस भी नहीं था, लगता है और भी मुझे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करूँगा, या हो सके तो मेरे स्टूडेंट लोग के साथ भी आ सकता हूँ। स्टूडेंट लोग भी अभी मैं कोशिश करूँगा कि दुख लग रहा है भाई, एक राउंड ठीक है। तो बहुत लोग आए थे जो जो हम लोग टीवी में देखते थे, इन लोग आए थे, सिलेक्शन ना हो पाया, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। देख सकते हो बहुत लोग इस गेट से निकल रहे हैं, मतलब कि ये लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेरा उबेर उधर है, मैं चलता हूँ अभी। कीप हार्ड वर्किंग गाइस, तो फिर से मिल